हेलाइड ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड और सेकेंडरी एल्काइल हेलाइट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टर्शरी एल्काइल हेलाइट से टर्शरी एल्काइल हेलाइट अगर हम बात करें एसन टू रिएक्शन के लिए इसका रीजन ये होता है कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होता है अगर उससे बहुत ज्यादा बल्किर आर ग्रुप्स या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आर ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उतना ही ज्यादा स्टेरिकली हिंड्रेड होने लगता है जब उसमें जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है उस टाइम पे तो यही रीज़न है कि जो टर्शरी एल्काइल हेलाइड होता है ये एसन टू रिएक्शन शो भी नहीं करता अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कंपाउंड बी और सी हैं ये दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हेलाइड हैं लेकिन ये जो कंपाउंड सी है ये एस एन टू रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका रीजन ये है कि इसके पास में जो हेलोजन एटम है वो है ब्रोमीन और कंपाउंड बी में है हेलोजन है एटम क्लोरीन ब्रोमाइड आयन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन तो इसलिए कंपाउंड सी जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ पे हम इसको मैंशन कर देते हैं कंपाउंड बी एंड सी बी एंड सी आर प्राइमरी एल्काइल हेलाइट्स primary alkyl halides halides but compound c is c is more reactive more reactive towards towards sn2 reaction reaction as it has बेटर लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप अब अगर हम बात करें कंपाउंड डी और ई में तो ये जो कंपाउंड डी और ई हैं ये दोनों सेकेंडरी एलकाइल हेलाइड हैं अब इन दोनों में से जो कंपाउंड ई है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एसेंटू रिएक्शन की तरफ क्योंकि कंपाउंड डी पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा यहाँ पे क्रिएट होगा एज कम्पेयर टू कंपाउंड ई तो यहां पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कंपाउंड डी एंड ई आर सेकेंडरी एल्काइल हेलाइट्स एल्काइल हम नीचे इसको मेंशन कर लेते हैं हेलाइट्स बट कंपाउंड इज़ मोर रिएक्टिव

द अटैक ऑफ न्यूक्लियो फाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियो न्यूक्लियो फाइल और ये जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड अब यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो है कंपाउंड ए कंपाउंड ए में अगर हम देखें तो ये टर्शरी एलकाइल हेलाइड है और जैसा कि हमने कहा टर्शरी अल्काइल हेलाइट एस एन टू रिएक्शन शो नहीं करते इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है एस एन टू रिएक्शन के लिए तो यहाँ पे हम इसको मैंशन कर देते हैं दैट कंपाउंड ए कंपाउंड एज टर्शरी एल्काइल हेलाइट टर्शरी एल्काइल हैलाइट हेलाइट तो जो ऑर्डर हो जाएगा इनकी रिएक्टिविटी का वो कुछ इस तरीके से होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कम्पाउंड सी देन कंपाउंड बी इसके बाद में है कम्पाउंड ई देन है कंपाउंड डी एंड देन है कम्पाउंड ए सो आई एल जस्ट कंक्लूड इट हेयर नाउ that i'll just write this here the above explanation above explanation is required answer required answer answer i hope you understood the explanation thank you